हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के व्याख्या के इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या के अंतर्गत प्रथम पाठ में पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण या पारितंत्र के जो घटक है उनका अध्ययन कर लिया था, और उसके बाद हमने आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार जाल क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस क्लास को आराम से देख लें, ताकि आगे आपको चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है, वो है पर्यावरण की समस्या, कि आजकल हमारे सामने पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है, या ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका सामना आज हम कर रहे हैं। तो उन्हीं पर्यावरण से संबंधित समस्त जितनी भी समस्या है जो आपके चैप्टर में दी गई है, उन सभी सभी समस्याओं का कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, और उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, इन बातों का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण में बदलाव हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। जब भी पर्यावरण में बदलाव होता है तो हमें या इस मानव सृष्टि को या जीव जंतु और समस्त सृष्टि जितने भी सजीव प्राणी है वो सब क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। जिस तरह पर्यावरण में होना वाला जो परिवर्तन है वो समस्त जीव जगत को प्रभावित करता है, ठीक उसी तरह जो जीव जगत की जो घटनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, वो भी किसी न किसी रूप से पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। यानी पर्यावरण का जो स्तर था पहले, उस स्तर की तुलना में आज क्या हो रही है, धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है, और उस घटनाओं के कारण यानी इस धरती पर इस जीव जगत के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप और क्रियाविधि या गतिविधियां की जा रही है, उसके कारण पर्यावरण से संबंधित कई सारी समस्या आज हमारे सामने उत्पन्न हो गई है। जैसे बात करें प्रदूषण, प्रदूषण में चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये जो जीव जगत है वो ही क्या है, जिम्मेदार है। फिर वनों उन्मूलन यानी वनों की कटाई, विभिन्न तरह की अलग अलग तरह की बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाएं, ओजोन परत का क्षरण, ये सब क्या है, ये सब मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरण से रिलेटेड समस्या है जिनका सामना आज हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें लिखी हुई है, देखे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स टू बी मैनेज्ड, यानी पर्यावरण से संबंधित वो समस्याएं जिन्हें हमें मैनेज किया जाना जरूरी है, जैसे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, फिर हजार्ड्स यानी अलग अलग तरह की विपदाएं, डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं, फिर अनसस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक जो संपदा है उसका दुरुपयोग को हमें रोकना है, और क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। फिर सब्जेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि इनसे कौन कौन से विषय है जिनकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है उसको सुरक्षित करना या बचाया जाना जरूरी है, जैसे ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य, फिर एयर या एटमॉस्फेयर वातावरण की समस्या, वाटर पानी सॉइल्स यानी मृदा, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, लैंडस्केप्स यानी भूस्खलन, फिर इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये वो सारे पर्यावरण के पहलू है जिनकी क्या करनी है, हमें सुरक्षा करनी है, या जिनसे हमें क्या करना है, बचाव करना है, जिनको हमें मैनेज करना है। फिर सेक्टर्स दैट पोटेंशियली कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि वे सारे सेक्टर्स या क्षेत्र जो कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, वो कौन कौन से है। पहला है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए आज हम अलग अलग तरह के जो कीटनाशक रसायन उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। फिर फॉरेस्ट्री वनों उन्मूलन से संबंधित, फिशरीज मत्स्य पालन, माइनिंग यानी खनन, एनर्जी यानी अलग अलग तरह की ऊर्जा, इंडस्ट्री यानी उद्योग, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, और हाउस होल्ड यानी गृह से संबंधित जो गृहस्थी से संबंधित जितने भी कारण है वो सब, यानी ये वो क्षेत्र है जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है या पर्यावरण से रिलेटेड समस्या क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले, और जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है वो है ओजोन परत। आप सबने ओजोन परत के बारे में पढ़ा भी होगा, हम विस्तार से यहाँ पर ओजोन परत को समझेंगे, क्या होती है, इसका क्षरण या ह्रास कैसे हो रहा है,
और इससे कैसे हम बच सकते हैं या किस तरह हम ओजोन परत के अंदर होने वाली जो क्षति है उसको कम कर सकते हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है। कैसा आवरण है? रक्षात्मक, यानी ये पृथ्वी की जो सतह है या पृथ्वी का जो आवरण है उसकी रक्षा करने का काम कर रही है, जो कि सूर्य की हानिकारक प्रावैग्नी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यानी ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक प्रावैग्नी किरणें हैं उन किरणों को अवशोषित करने का काम कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां, यानी ये प्रावैग्नी किरणों को अवशोषित करके जो जीवों की स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे त्वचा होगी, कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, कमजोर परिरक्षा या प्रतिरक्षा तंत्र हो गया, पौधों का विनाश हो गया, आदि से क्या करती है? आदि से रक्षा करने का काम करती है। मतलब क्या हुआ कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक प्रावैग्निक किरणें हैं, जो त्वचा से रिलेटेड बीमारियों, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पौधों को नाश, इनके लिए जो जिम्मेदार है, उन किरणों को रोकने या अवशोषित करने का काम कर रही है। ठीक है, मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन से परत या मंडल में पाई जाती है, तो मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का क्या है, एक हिस्सा है। और जमीनी स्तर पर ओजोन क्या है? एक घातक जहर है। उस घातक जहर को रोकने का काम क्या करती है? ये चीजें करती है। यानी ओजोन गैस अगर पृथ्वी पर बात करें उपलब्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह घातक क्या है? जहर है। लेकिन यह समताप मंडल में हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी गैस के रूप में या परत के रूप में काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने ओजोन परत का चित्र है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ये आपकी पहले वाले चित्र में आपकी पृथ्वी है। ठीक है, फिर कौन सा मंडल है? समताप मंडल, जीरो से सामान्यतः 10 किलोमीटर के मध्य में। फिर कौन सी परत है? यह आपकी ओजोन परत है। किस किस के बीच में? समताप मंडल और समताप मंडल के मध्य में। ठीक है, देखो ये देखो कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ऊपर कौन सा मंडल है? समताप मंडल। इन दोनों के बीच में यानी 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की रेडियस में सबसे अधिक ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ये आपको पहले चित्र में दिख रहा है। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है कि जो सूर्य है, इस सूर्य से आने वाली जो प्रावैग्निक किरणें हैं, जो कि तीन टाइप की होती है, यूवी ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की और सी कैटेगरी, यानी प्रावैग्निक किरणें हैं वो तीन कैटेगरी की होती है। तो ये पृथ्वी है हमारी, और इसके चारों ओर ये जो ओजोन परत है वो एक सुरक्षा कवच के रूप में क्या कर रही है? कार्य कर रही है। यानी ये पृथ्वी से आने वाली प्रावैग्निक किरणों को पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोक रही है या उन्हें अवशोषित करने का काम करती है, ताकि कम से कम मात्रा में वो पृथ्वी पर पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन का निर्माण, अब आप कहोगे कि ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो ओजोन का जो निर्माण है वो प्रकाश रासायनिक क्रिया का क्या है? परिणाम है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का क्या है? एक परिणाम है। इस बात को हम समझते हैं। देखो सूर्य से क्या आ रही है? सूर्य से आपकी आ रही है प्रावैग्निक किरणें। क्या आ रही है? प्रावैग्निक किरणें। हमारे वायुमंडल में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन के अणु मौजूद है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है। तो ये प्रावैग्निक किरणें जब इस ऑक्सीजन अणु पर गिरती है, तो ऑक्सीजन अणु का दो भागों में क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। ऑक्सीजन का एक अणु दो ऑक्सीजन परमाणु में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक ऑक्सीजन परमाणु एक, ऑक्सीजन परमाणु दूसरा। क्या समझ में आया? कि जब सूर्य की प्रावैग्निक किरणें ऑक्सीजन अणु पर गिरती है, तो ऑक्सीजन अणु दो परमाणु के रूप में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। ठीक है, फिर इसी ऑक्सीजन अणु की ऑक्सीजन के एक अन्य परमाणु के साथ अभिक्रिया होती है। यानी जब ऑक्सीजन के जो दो अणु है, ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ पुनः अभिक्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है? ओजोन अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो ओजोन अणु है ये कैसा होता है? अस्थायी अणु होता है। कैसा अणु होता है? अस्थायी। क्यों? क्योंकि पुनः प्रावैग्निक विकिरणों के संपर्क में आकर फिर से ये किसमें? ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी ओजोन का जो अणु है ये स्थायी नहीं होता बल्कि अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जब इस पर दोबारा प्रावैग्निक किरणें गिरेगी, तो ये दोबारा से ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जब दोबारा से प्रावैग्निक किरणें इस ऑक्सीजन ओजोन के अणु पर गिरेगी, तो ये ओजोन अणु पुनः दोबारा ऑक्सीजन अणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के रूप में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। आया समझ में? सबसे पहले क्या हो रहा था, फिर से सुनो, कि जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रावैग्निक किरणें
जब वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के अणु पर गिरती है तो ऑक्सीजन अणु का दो भागों में या दो ऑक्सीजन परमाणु में क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। और जब इस ऑक्सीजन अणु का एक अन्य ऑक्सीजन अणु का इसी विखंडित ऑक्सीजन परमाणु के साथ अभिक्रिया होती है तो इसका निर्माण होता है, ओजोन अणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो आपका ओजोन अणु है ये कैसा होता है, ये आपका अस्थायी अणु होता है, क्योंकि जब दोबारा प्राबैंगनी विकिरणें इस के संपर्क में आती है तो जो ओजोन अणु है वो दोबारा से ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जो कि आपके सामने अभिक्रिया लिखी हुई है। जब इस ओजोन अणु पर प्राबैंगनी किरणें दोबारा गिरेगी तो ये ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत का ह्रास या ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है इसके बारे में हम समझते हैं। तो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर यह देखा गया कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें धीरे धीरे कमी हो रही है। कब देखा गया, 1985 में, और उसे ही ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी ओजोन गैस की या ओजोन परत की जो मोटाई या जो ओजोन छिद्र हम कह रहे हैं जिससे ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें धीरे धीरे कमी हो रही है, उसमें छेद हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, मानव संश्लेषित रसायन यानी मानव के द्वारा निर्मित किया गया रसायन, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। शीतलन का मतलब है जो ठंडे करने वाले यंत्र है जैसे फ्रिज, और जो अग्निशमन यंत्र है जो आग बुझाने का काम करते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी में सर्वानुमति बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल यानी एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जिसमें विभिन्न देशों के जो अधिकारी थे वो शामिल हुए, जिसे यूएन कार्यक्रम कहा जाता है। उसमें सभी देशों ने अपनी सर्वसहमति से ये निर्णय लिया कि 1986 के बाद या उसके स्तर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन है वो सीमित किया जाए, उससे अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन नहीं किया जाए। ठीक है, ताकि कम से कम क्या हो, ओजोन परत की तीव्रता या ओजोन परत की मोटाई में कमी हो। अगर ऐसा होता रहा तो भविष्य में ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और ऐसी स्थिति में प्राबैंगनी किरणें सीधे कहां पहुंचेगी, पृथ्वी पर पहुंचेगी, और ऐसी स्थिति में मानव और जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग और अन्य कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में धरती पर मानव का रहना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ओजोन परत के बारे में। अगली समस्या जो पर्यावरण से संबंधित है वो है कचरा प्रबंधन। क्या है, कचरा प्रबंधन, इसका मतलब क्या हुआ, आप सब देख रहे होंगे कि आजकल हमारे आसपास चारों तरफ हमें कहीं ना कहीं कचरे के ढेर देखने को मिल जाते हैं। तो आज के समय में जो अवशिष्ट पदार्थ है उनके निपटान की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही मुख्य समस्या है। इतना कचरा फैल रहा है कि उसका सही समय से निपटान भी नहीं हो पा रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है, बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और इतने विशाल कचरे के ढेर को निष्पादित करना या उसका निपटान करना एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उजागर हो गई है या उत्पन्न हो गई है। देखें तो अब कचरे के अंदर कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं, तो कचरे के अंदर दो चीजें शामिल होती है या दो तरह के पदार्थ शामिल होते हैं, पहला जैव निम्नकरणीय पदार्थ और दूसरा अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। ये क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। जैव निम्नकरणीय पदार्थ का मतलब है पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे घटकों में क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, मतलब वे पदार्थ जिनका अपघटन किया जा सकता है, जैसे फल और सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। ये ऐसे पदार्थ हैं जो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है और उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा पुनः अपघटन किया जा सकता है। दूसरे हैं अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं या जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। ये वो पदार्थ है जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन संभव नहीं है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो जटिल पदार्थों को या पदार्थों को छोटे घटकों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं।
एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। यानी जो एंजाइम है वो कुछ विशिष्ट पदार्थों या घटकों का ही अपघटन कर सकते हैं, और इसी कारण से वो सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते, वो कुछ विशिष्ट पदार्थों का ही अपघटन कर सकते हैं। तो कचरे के अंदर दो तरह के पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। पहला, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी जो जैविक है, जो सजीव है, उन सजीवों के अपशिष्ट जिनका बाद में सूक्ष्म जीवों के द्वारा पुनः अपघटन किया जा सकता है। और दूसरे होते हैं अजैव। अजैव का मतलब जो जीवों से प्राप्त नहीं है, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब कचरा प्रबंधन की विधियां क्या है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कचरे का प्रबंधन या उसका निपटान कर सकते हैं। पहला है जैव मात्रा संयंत्र। क्या है? जैव मात्रा संयंत्र। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ यानी कचरा, इस संयंत्र के द्वारा जैव मात्रा का मतलब है बायोगैस, या जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, उस बायोगैस व खाद के रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं। यानी जो बायोगैस संयंत्र है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 14 में की थी, उस संयंत्र की मदद से हम जो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, यानी सजीवों के जो अपशिष्ट है, उनका हम उपयोग जैव मात्रा बायोगैस व खाद के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। अगला है सीवेज उपचार तंत्र। इस तंत्र के या संयंत्र की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संशोधित या परिष्कृत कर सकते हैं, ताकि उसमें मौजूद जो गंदगी है वो नदियों में डायरेक्ट अपशिष्ट नहीं हो। अगला, कूड़ा भराव क्षेत्र। कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि बड़े बड़े खड्डे वगैरह खोदकर कचरे को उसके अंदर भर दिया जाता है और फिर उसके अंदर दबा दिया जाता है ताकि प्रदूषण बाहर न फैले। अगला, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, हम जैविक कचरा है उसको कंपोस्ट खड्डे में भरकर क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। यानी मिट्टी से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, और 3 महीने के बाद ये जो कचरा है वो खाद में क्या किया जाता है, बदल जाता है, और उस खाद का उपयोग हम बाकी अन्य कृषि कार्यों के लिए फिर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कचरा प्रबंधन की कुछ विधियां होगी। आगे अगली विधि है पुनः चक्रण। इसमें हम क्या करते हैं, जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, कौन से पदार्थ, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, वो प्रकार का जो कचरा है उसको पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दे सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, तो अगर उसका अपघटन नहीं हो रहा है तो उस प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके दोबारा अन्य उपयोग में ले सकते हैं। अगला है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब है यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें हम एक वस्तु का पुनः उपयोग दोबारा कार्य अन्य कार्यों के लिए क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे खाली जो अखबार है जो हमारे लिए काम का नहीं है, उसके हम क्या बना सकते हैं, लिफाफे बना सकते हैं। अगला है भस्मीकरण। यह एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसे थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कचरे को किसमें बदलने का काम करता है, राख में बदलने का काम करता है। जैसे मुख्य रूप से इसका उपयोग अस्पतालों से जो जैविक कचरा प्राप्त होता है, उस अस्पतालों से प्राप्त जैविक कचरे के निपटान हेतु भस्मीकरण या थर्मल उपचार विधि का उपयोग किया जाता है, ताकि कम से कम प्रदूषण फैले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय की संपूर्ण व्याख्या बहुत अच्छे से कर ली है। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसके अलावा सभी प्रकार के नोट्स हेतु आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपके सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चैप्टर की व्याख्या आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।